अगली खबर जबलपुर से आ रही है, जहां बिल्डर राजू वर्मा की आत्महत्या पे नया खुलासा सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित डिलाइट कैंपस साउथ सिविल लाइन निवासी बिल्डर और सेवाविद राजीव वर्मा उर्फ राजू वर्मा के खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। गंभीर रूप से घायल बिल्डर राजू वर्मा के पास सुसाइड नोट मिला है, जिसके मिलने से उनके परिजन सकते में है। सुसाइड नोट में क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम लिखा है, जिसमें यह भी लिखा है कि वह उसकी प्रताड़ना से तंग होकर ही आत्महत्या कर रहा है। इसकी सूचना मिलने पर आक्रोशित परिजन बुधवार को सिविल लाइन थाने पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं सिविल लाइन TI रामेश कौरव के मुताबिक सुसाइड नोट आखिर किसने लिखा है, इसकी जाँच कराई जाएगी। TI ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। डॉक्टर झूमा वर्मा के आरोप लगाया है कि मेरे पति राजेंद्र वर्मा ने 1 अक्टूबर को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। देवर शैलेंद्र वर्मा पति के ऑफिस कुछ दस्तावेज लेने गए थे, तभी उन्हें एक ड्रॉज में पति राजेंद्र के हाथ से लिखा पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि मैं राजू वर्मा अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की है। यह पत्र सिविल लाइन थाने में दिया गया है। डॉक्टर झूमा वर्मा ने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति उसके पति को आए दिन झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देता था। वही उसके एवज में लाखों रुपए की मांग भी की थी, जिससे उसके पति प्रताड़ित थे और उन्होंने यह कदम उठाया। इस घटनाक्रम का उन्होंने एडवोकेट से भी जिक्र किया था, जिन्हें बिल्डर राजू वर्मा ने मिलने के लिए अपने घर भी बुलाया था। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।